प्रेस क्लब बुलेटिन में आज इलियाज अहमद खान का अभिवादन स्वीकार कीजिए। सबसे पहले आज की बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक जीतकर पहली बार पीलीभीत लौटे सिमरनजीत सिंह आज के हीरो रहे। ज़िले का मान देश दुनिया में बढ़ाने पर सिमरनजीत का ज़िले भर में हुआ भव्य स्वागत। मुख्यालय पर डीएम पुलकित खरे, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, व्यापारी नेता अफरोज गिलानी सहित काफ़ी लोगों ने किया सम्मान। पूरनपुर में समाजसेवी संदीप खंडलवाल ने पहनाया चांदी का मुकुट। जिला ओलंपिक संघ जिला अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, प्रेस अध्यक्ष तारिक कुरैशी, डायमंड हॉकी क्लब के महेश आज़ाद घासीराम, व्यापारी नेता विजयपाल बिक्की, युवा खिलाड़ी हर्षित प्रियांशु व शिवम सहित काफ़ी लोगों ने किया सम्मानित। VVIP की भांति जिले की सीमा पर पुलिस प्रशासन ने की सिमरनजीत सिंह की आगवानी। मझोला व मझारा फार्म पर भी मनाया जा रहा जश्न। मझोला में बन रहे स्टेडियम का नाम सिमरनजीत स्टेडियम होगा, डीएम भेजेंगे शासन को प्रस्ताव। गांधी स्टेडियम में भी हुआ हॉकी खिलाड़ी सिमरनजीत का सम्मान, DMSP सहित कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। मझोला में भी मनाया गया जश्न, 1.5 साल बाद लौटने पर घर पर भी मनाई गई खुशियां। जनपद आने पर प्रेस क्लब बुलेटिन के संपादक सतीश मिश्र ने सिमरनजीत सिंह का पहला इंटरव्यू लिया। देखिए किस अंदाज में हुए सवाल और जवाब। आपने टोक्यो ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया है, प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने आपको सम्मानित किया, चाय पार्टी में बुलाया, कैसा महसूस किया आपने? बहुत बढ़िया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब देश से खेल के आते हैं बाहर से, तो आपके जो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी ने हमें बुलाया और जो हमें सम्मान दिया, इससे हमें बहुत मनोबल बढ़ता है। कल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपको 1 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप भी दिया है, हम लोगों को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और सरकारी नौकरी देने की भी बात की है, रजिस्ट्रेट ऑफिसर बनाने की बात कही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया पहल है, मैं समझता हूँ योगी जी की, यूपी गवर्नमेंट की, क्योंकि स्पोर्ट्समैन की लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तो जिससे वो गुजर के जाता है, तो फाइनेंशियल तौर पर भी जहाँ गवर्नमेंट मदद कर रही है, तो उसको परमानेंट जॉब देने की बात कर रही है, तो वह बहुत बढ़िया कदम है। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा था कि कोविड का दौर भी खत्म नहीं हुआ है, तो कोविड का दौर ही चल रहा था जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे, तो वो ट्रेनिंग कहाँ चल रही थी, किस तरीके से चल रही थी? वो बैंगलोर में चल रही थी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैंगलोर में, तो 1.5-2 साल उधर ही चल रही थी। तो क्या सरकार ने भी उसमें कोई मदद की थी काफी कुछ? ऑफकोर्स जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की बॉडी है, तो हर संभव मदद होनी हमारी। अभी जो इतना सब मान सम्मान मिला है आपको, तो पीलीभीत के लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ के भी काफी खिलाड़ी जो हैं वो उपेक्षित हैं, तो आप क्या कहेंगे इनके लिए, क्या संदेश देंगे, लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं? संदेश यही कि जैसे आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे अच्छे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कीजिए, यहाँ के जो भी प्लेयर्स हैं आज की हॉकी को पहचाने और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए और सफलता पाइए। जैसे कि अभी महेश आजाद जी, कुछ लोगों ने आपको बताया कि यहाँ पे कोई स्टेडियम वगैरह वो सब दिक्कतें हैं, अब आप जब प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, तो यहाँ के लोगों की समस्या क्या अब आप एक प्रतिनिधि के तौर पे आगे रखेंगे? मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी एरिया हो, कि टर्फ, एस्ट्रो टर्फ या ग्राउंड हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि वहाँ के जो इलाका निवासी हैं, प्लेयर्स हैं, खेल सकें। तो मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ तक भी बात कर सकता हूँ, मैं बोलती हूँ सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख को आज बिलसंडा पहुँचने पर किसानों ने दिखाए काले झंडे। फ्लीट की गाड़ी रुकी, पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक व झड़प, औलख के खिलाफ की नारेबाजी, किसान आंदोलन व समस्याओं को लेकर फूटा आक्रोश। आइए दिखाते हैं मौके का वीडियो। बरखेड़ा यासीन में ग्रामीण के 14 वर्षीय पुत्री को दिन दहाड़े कार में डालकर किया अगवा, पुलिस ने राजू हरिराम सहित 4 लोगों पर लिखा मुकदमा। SP दिनेश पी ने आज अमरिया थाने का निरीक्षण कर परखी व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाएं मिलने पर दिए सुधार के निर्देश। महिला हेल्पलाइन को लेकर पूछताछ मचा रहा हड़कंप। उग्र हुए टाइगर रिजर्व में मौजूद नेपाली हाथी, जंगली हाथियों का आतंक कायम, हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों के साथ साथ
उनके घरों को भी बनाया निशाना। जंगल से सटे गांव सजना में गरीब मजदूर के घर में हाथियों ने किया तहस नहस। घर में रखा राशन व घरेलू सामान भी रौंदा। सूचना पर पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा पहुंचे सजना, लिया हालचाल। भारतीय किसान यूनियन के यूपी उत्तराखंड त्राई क्षेत्र के प्रभारी बलजिंदर सिंह मानसिंह पहुंचे पूरमपुर। मंडी में किसानों की बैठक के लेकर 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर जिले में होने जा रहे महापंचायत में पहुंचने की अपील। किसान नेता मंजीत सिंह ने दिया बड़ी संख्या में सहभागिता का आश्वासन। पूरमपुर में वृद्ध को गोली मारकर 2.5 लाख से अधिक लूट का अभी तक नहीं हो सका खुलासा। लुटेरों की सुराग कशी में जुटी पुलिस। जिला चिकित्सालय पीलीभीत के सभागार में कायाकल्प अवार्ड 2020 का एडीएम न्यायिक देवेंद्र प्रताप मिश्रा की अध्यक्षता में चिकित्सालय में हुआ आयोजन। सीएमओ डॉक्टर सीमा अग्रवाल, सीएमएस डॉक्टर अनिता चौरसिया व डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन ने अस्पताल के पूरे स्टाफ को बांटे पुरस्कार। उपहार हुआ सहभोज। SSB 49वीं बहनी ने मनाया अपना 12वां स्थापना दिवस। कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने रोपे पौधे। जवानों ने फिट इंडिया के तहत खेलों में किया प्रतिभाग। कमांडेंट ने नेपाल सीमा की सुरक्षा को तैनात जवानों को दी बधाई, सहभोज में हुए शामिल। पड़ोसी देश नेपाल में बढ़े कोविड के मरीज। पीलीभीत जिला अलर्ट पर, खुली सीमा से आने जाने वालों को सैंपलिंग की बनी रणनीति। सीमो ने पूरनपुर MOIC को मादा टंडा और हजारा क्षेत्र में टीमें लगाने के दिए आदेश। पीलीभीत में निजी अस्पताल में भर्ती मरीज की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पहली 4 अगस्त के बाद कोई भी केस न होने पर जिले को कोरोना मुक्त किया गया था घोषित। 4 दिन पहले एक मरीज में हुई थी संक्रमण की पुष्टि। कल एक अन्य की आई भी रिपोर्ट पॉजिटिव। शहर के निजी अस्पताल में भर्ती संक्रमित। लखनऊ में बच्चों को कपड़ा आदि सामान देने पर सिटी मजिस्ट्रेट शशि भूषण राय ने की टीम की नेकी की दीवार की सराहना। संस्थापक गुरमेल सिंह को सौंपा प्रस्तुत पत्र। गुरमेल सिंह बोले, बड़ा हौसला, आगे भी जारी रहेगी सेवा। रविवार को रक्षाबंधन के दिन बाजार खोलने और पुलिस द्वारा बेवजह चालान करके लोगों को परेशान करने को लेकर व्यापारी सुरक्षा फोरम के जिला अध्यक्ष नवीन अग्रवाल की अगुवाई में व्यापारियों ने पूरमपुर के SDM राजेंद्र प्रसाद को सौंपा ज्ञापन। कुछ देर बाद ही सरकार ने समाप्त की साप्ताहिक बंदी, व्यापारी हुए खुश। ब्रह्म कुमारी बहनों के रक्षाबंधन पर्व में हुए शामिल रोटरी क्लब रॉयल के पदाधिकारी संस्थापक अध्यक्ष कौशलेंद्र भदौरिया ने की कार्यक्रम की सराहना। शारदा के कटान से ट्रांस शारदा क्षेत्र में मचा हाहाकार। जमीन फसलें सहित कटने से आक्रोश, बचाव के इंतजाम अधूरे, बरसात ने बढ़ाई समस्या। कल 3 बजे पूरनपुर ब्लॉक पहुंचेंगे शहरी विकास मंत्री महेश चंद्र गुप्ता, भाजपा के कार्यक्रम में लेंगे भाग। 4 बजे घाटापुर मंदिर प्रांत घोष पहुंचकर ललित जी ने से मिलेंगे। 5:30 बजे बिस्लपुर कार्यक्रम में होंगे शामिल। पूरमपुर के गन्ना कृषक महाविद्यालय को शासकीय अनुदान पर लेने की मांग को लेकर लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर शर्मा व अन्य। सितंबर में पूरमपुर आ सकती है गवर्नर। कॉलेज की 3री वार्षिक पत्रिका अभ्युदय का राज्यपाल ने किया विमोचन। पर्व आज जिले भर में रंजोगम के माहौल में मनाया गया। लोगों ने अपनों के लिए घरों से ही दुआ की। कोविड प्रोटोकॉल के चलते ताजिए भी नहीं उठाए जा सके। SP दिनेश पी वास पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी पूरी स्थिति पर नजर रखे रहे। जहानाबाद में ताजेदारी की पुलिस से हुई झड़प। तैयार होने लगा ऑक्सीजन प्लांट, टीम आई। ब्लड बैंक के पास विद्युतीकरण का किया जा रहा है प्लांट पर काम। बीते कई दिनों से पन्नी में कैद होकर रखे थे प्लांट के उपकरण। बीसलपुर के मोहल्ला वक्तावर लाल में नव निर्माणित मंदिर में हुए प्राण प्रतिष्ठा। पंडित अखिलेश मिश्र ने कराया पूजन, शामिल हुए भक्त पाया प्रसाद। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी व शिव जी की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में लगा रहा है भक्तों का तांता। कल चतुर्दशी और परसों पूर्णिमा का मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पर्व। भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी बहनें और भाई देंगे उपहार व रक्षा का वचन। आज जिले भर में कई जगह भी हल्की बरसात, कल भी खंड वृष्टि के आसार। इसी के साथ आज के बुलेटिन यहीं समाप्त होता है।